फाइटर पायलट प्लेन उड़ाते वक्त ये सूट क्यों पहनते हैं और किस देश का पासपोर्ट है सबसे ज्यादा पावरफुल जिससे आप कर सकते हैं 192 देशों का ट्रैवल वो भी बिना वीजा के और क्यों मनाया जाता है नो शिव नवंबर। ऐसे ही शानदार और ज्ञान से भरपूर फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों फाइटर प्लेन के पायलट ये खास तरह का सूट क्यों पहनते हैं? असल में सूट के पीछे गहरी साइंस छुपी हुई है। होता ये है कि जब भी पायलट प्लेन उड़ाते हैं तो इसकी जरूरत होती है और ये सूट प्लेन उड़ाने में काफी कारगर होता है। इस सूट को जी सूट कहा जाता है और ये सूट उड़ान के समय खून के बहाव को कंट्रोल करने में मदद करता है। दरअसल जमीन पर साधारण तौर पर 1G ग्रेविटेशनल फोर्स का अनुभव होता है और नॉर्मली एक इंसान 3G तक का ग्रेविटेशनल फोर्स झेल सकता है और एक फाइटर क्रू 4G से 5G तक का ग्रेविटेशनल फोर्स झेलने में सक्षम होते हैं और इसीलिए फाइटर पायलट्स को इतना फोर्स झेलने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसलिए जब भी फोर्स ज्यादा होता है तब ये सूट काफी मददगार साबित होता है। तो अब आप ये इंटेलिजेंट फैक्ट जान गए होंगे। फैक्ट नंबर 9। भारत में जब किसी की भी शादी होती है तो उससे पहले लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और जब लड़का लड़की के घर बारात लेकर पहुंचता है तो उस वक्त अगर लड़के को किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लेकिन यूक्रेन में एक अजीब सी परंपरा है जिसमें लड़का अगर ऐसा करता है तो उसे कद्दू देकर वहाँ से विदा किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका मानना है कि वो लड़का वहाँ से खाली हाथ ना लौटे। ऐसा अगर इंडिया में होने लगे तो क्या होगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वैसे अगर ऐसा होगा तो मेरे हाथ में तो काफी सारे कद्दू आ जाएंगे। फैक्ट नंबर 8। क्या आप जानते हैं कि लंबे टाइम से वर्ल्ड्स पावरफुल पासपोर्ट की लिस्ट में जापान पहले नंबर पर मौजूद था, लेकिन अब जापान के साथ सिंगापुर भी पहले नंबर पर आ गया है और इसलिए इन दोनों ही देशों का पासपोर्ट दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट माना जा रहा है। क्योंकि अगर आपके पास इन दोनों में से किसी भी देश का पासपोर्ट है तो बिना वीजा के 192 देशों का ट्रैवल कर सकते हैं आप। लेकिन अगर मैं आपको भारत के बारे में बताऊं तो इस ताकतवर पासपोर्ट की कैटेगरी में भारत का नंबर 90 पर आता है। फिलहाल इंडियन पासपोर्ट के साथ आप बिना वीजा के 58 देशों की यात्रा कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 7। ट्रेन का सफर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब इस सफर में वादियों का तड़का लग जाता है। लेकिन चाइना में एक ऐसी ट्रेन है जो एक बिल्डिंग के बीच में से निकलती है। असल में चीन के चोंगक्विंग में एक ऐसा अपार्टमेंट है जिसमें से लाइट वेट पैसेंजर्स ट्रेन निकलती है जो कि एक 19 मंजिल बिल्डिंग के बीच से निकलती है। इतना ही नहीं, इस बिल्डिंग में इस ट्रेन का एक स्टॉप भी है जिससे यहां रहने वाले लोग अपने डोर स्टेप से ट्रेन पकड़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 6। वैसे तो धरती से अजीब किस्म के जानवरों की संख्या पहले से ही कम होती जा रही है और कुछ देशों में शिकारी ऐसे जानवरों का शिकार करके उनकी संख्या को और भी कम करने में लगे हैं। और कुछ दिन पहले केन्या के जंगलों में शिकारियों ने ऐसे ही 2 सफेद जिराफों को मार डाला। दुनिया में सफेद जिराफों की संख्या पहले ही बहुत कम थी, अब इन दोनों के मरने के बाद से सिर्फ एक ही जिराफ बचा है। फैक्ट नंबर 5। इस फैक्ट को जानने के बाद आप शायद हैरान हो जाएंगे क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटेन की बेलफेस्ट जू के 33 जानवरों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया था क्योंकि वहाँ की आर्मी को डर था कि वॉर के दौरान वो जानवर कहीं सिटी में किसी को कोई नुकसान ना पहुँचाए। इन जानवरों में 6 लोमड़ी प्यूमा टाइगर के साथ ढेरों जानवरों को मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन उस बीच एक छोटा सा एलिफेंट का बच्चा भी ये मारना चाहते थे, लेकिन तभी एक लड़की को इस पर दया आ गई और वो उसे अपने घर ले गई और उसका पालन पोषण किया और इसलिए ये लड़की एलिफेंट एंजल के नाम से मशहूर है। फैक्ट नंबर 4। चाइना की राजधानी बीजिंग में कैनेडियन कंपनी वाइटलिटी एयर कैन में भरकर चाइनीज लोगों को फ्रेश एयर बेचती है। इन एयर कैन की कीमत 10 से 20 डॉलर होती है, यानी कि 750 से 1500 रुपए के बीच में। एयर कैन बेचने वाली कंपनी वाइटलिटी एयर के फाउंडर्स मोजेस लैम और ट्रॉय प्रैक्विटी का कहना है कि उन्होंने तो मजाक में एक फूड एयर बैग को 99 सेंट में ईबे पर सेल पर लगाया था, लेकिन जल्द ही इसे एक चाइनीज कस्टमर ने खरीद लिया और फिर उनका दूसरा एयर बैग भी 168 कैनेडियन डॉलर में बिक गया। जिसके बाद मोइसेस लैम और ट्रॉय ने वाइटलिटी एयर नाम से एयर कैन लॉन्च किए। दोस्तों कंपनी पहाड़ों से फ्रेश हवा कैन में भरकर चाइना की मार्केट में बेचती है और दोस्तों जिस तरह दुनिया भर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है उसे देखते हुए तो लगता है कि जल्द ही बाकी देशों में भी इसी तरह हवा बिकने लगेगी। फैक्ट नंबर 3। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक अमेरिकी एंटरप्रेन्योर प्रेस्टन टकर ने एक ऐसा ट्रक बनाया था जिसका नाम था टकर टाइगर टैंक। ये एक हाई स्पीड आर्मर्ड कार थी
थी जिसमें पावरफुल V12 इंजन लगा हुआ था और 35 मिलीमीटर की एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगी हुई थी। ये कार 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी, जो कि एक ऐसी कार के हिसाब से काफी ज्यादा थी। ये स्पीड दुश्मनों को पछाड़ने के लिए मददगार भी हो सकती थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कार को US आर्मी ने इसकी खासियत की वजह से रिजेक्ट कर दिया था, और इसकी खासियत थी इसकी स्पीड। फैक्ट नंबर 2, नो शेव नवंबर क्या है? असल में कैंसर के अगेंस्ट ये एक तरह का कैंपेन है। ये कैंपेन खासकर प्रोस्टेट कैंसर के लिए जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया था। इस कैंपेन में लोग एक महीने तक अपनी दाढ़ी या कोई भी तरह का हेयर कट नहीं करवाते हैं, लेकिन इसका मतलब सिर्फ बाल कटवाना ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक और वजह भी थी। वो ये कि एक महीने तक कैंसर पीड़ितों के लिए लोग कटिंग वगैरह नहीं करवाएंगे, और एक महीने में कटिंग के लिए जो पैसा खर्च होता है उस पैसे को कैंसर पीड़ितों के लिए दान किया जाएगा। इसलिए नो शेव नवंबर अभियान की शुरुआत एक अमेरिकी एनजीओ मैथ्यू हील फाउंडेशन ने साल 2009 में की थी। ये फाउंडेशन इन पैसों को उन संस्थाओं तक पहुंचाता है जो कैंसर से बचाव, इलाज, रिसर्च और एजुकेशन के लिए काम कर रही हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने 140 शब्दों में पोस्ट लिखवाने वाली माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का नाम तो खूब सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस साइट के लोगो में बनी चिड़िया का नाम क्या है और कैसे इस साइट का नाम ट्विटर पड़ा? असल में जैक डार्सी, नोह ग्लास, बिज स्टोन और इवान विलियम्स ने इसकी साइट को बनाया था, और इस चिड़िया का नाम लैरी है, जो कि अमेरिका के बास्केटबॉल खिलाड़ी लैरी बर्ड के नाम पर रखा गया है, और चिड़िया की चहचहाहट का दूसरा टर्म ट्विटर है, इसलिए इसका ऑफिशियल ट्विटर है। तो दोस्तों आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर ने आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और आपको कुछ नया एंटरटेनमेंट भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा अगले हफ्ते नए फैक्ट्स के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।